हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्ती रोटी। ये शब-ए-बरात में आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत अच्छी रोटी है। मैं बहुत आसान तरीके से इसे बनाना बताऊंगी आपको। यहाँ मैं एक कप मैदा ली हूँ, इसे मैं इसमें डाल दूँगी। यहाँ एक छोटी चम्मच चीनी पाउडर ली हूँ मैं इसे। आप चाहें तो इसे डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, इससे ये रोटी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ डाली हूँ। और इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी। यहाँ एक छोटी चम्मच मैं रिफाइन ऑयल ली हूँ, इससे रोटी सॉफ्ट रहेगी मेरी, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। आप इसे नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं यहाँ डाली हूँ। अब मैं इसे अच्छे से मिलाकर भूनूंगी। यहाँ मैं एक कप उबाला हुआ पानी ली हूँ, ये बॉयल पानी है, इसे मैं पहले अच्छे से बॉयल कर दी हूँ। ये बहुत गर्म है, गर्म पानी से ही दोस्ती रोटी के आटे को गूंदें, इससे ये बहुत सॉफ्ट रहेगी रोटी। इस तरह से ज़रा ज़रा पानी देकर अच्छे से हम लोगों को इसे गूंद लेना है। यहाँ डो बिल्कुल तैयार है, इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखूँगी, फिर मैं दोस्ती रोटी बनाना शुरू करूँगी। यहाँ बीच में लगाने के लिए एक बड़ी चम्मच मैं रिफाइन ऑयल ली हूँ, मैदा ली हूँ खुश्की के लिए। यहाँ इस तरह से छोटे छोटे से बॉल बना लेनी है। इस तरह से मैं बॉल बना लूँगी। बिल्कुल तैयार है। अब इसे हाथ से दबाकर यहाँ रिफाइन ऑयल में इस पर डालूँगी और इसे रख के अच्छे से दाब दूँगी। ये अच्छे से दबा लेनी है। यहाँ खुश्की लगाकर इसे मैं चपाती की तरह बेल दूँगी, अच्छे से बेलूँगी। बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी है, बहुत पतली भी नहीं करनी है, ताकि जब हम लोग इसे अच्छे से सेकेंगे तो परत खुल जाएगी। तेल इसलिए लगाया जाता है कि ये परत खुल जाए सेकने के बाद। यहाँ मेरी चपाती बनकर बिल्कुल तैयार है। यहाँ मैं गर्म होने के लिए पहले से रख दी हूँ, तवा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैं चपाती को डाल दी हूँ। फ्लैट दूंगी, फ्लेम को यहाँ मीडियम रखी हूँ मैं, ताकि इसे अच्छे से सेक लूँ मैं। ये बहुत अच्छी बनती है, इसे आप 1 से 2 रोज़ भी रख सकते हैं। इसी तरह से जिस तरह से हम लोग रोटी सेकते हैं, उसी तरह से इसे सेक लूँगी। इस तरह से इसे घुमा घुमा कर अच्छे से सेक लेनी है, ताकि मेरी चपाती कहीं कच्ची ना रहे। देखिए तैयार है, अच्छे से सेक चुका है, कहीं भी कच्चा नहीं है। मैं आपको दूसरी भी रोटी बनाकर दिखलाती हूँ। ये बनकर बिल्कुल तैयार है, इसे मैं उतार ली हूँ। अब यहाँ फिर बिल्कुल उसी तरीके से ज़रा सा इस पर तेल डालूँगी और इसे अच्छे से इस तरह दाब कर मैं मिला लूँगी। अच्छे से दाब कर बराबर इसे कर लेना है और इसमें खुश्की लगा कर मैदे का इसे मैं चपाती की तरह बेल लूँगी। बहुत ये जल्दी बन जाती है, कोई घर पे मेहमान आ जाए इस तरह से भी आप रोटी बनाकर पेश करें, बहुत ही यम्मी लगती है। यहाँ तवा गर्म है, मैं फिर तवे पर इसे डाल दूँगी। हाँ, मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी।
सेकने के बाद इसे भी मैं निकाल लूँगी। दोस्ती रोटी बनकर बिल्कुल तैयार है, देखिए कितनी जल्दी से बन गई। स्विच को ऑफ़ कर दूँगी मैं यहाँ पर। बनकर तैयार दोस्ती रोटी कितनी अच्छी बनी है ये, बस इस तरह से फोल्ड कर दें, इस तरह से ये फूल जाती है। ये पतली सी रोटी है बनी है, शिवरात में आप इसे ज़रूर बनाएं, बताएं कैसी बनी है। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।